एजुकेशनल गाइडेंस बाय YGS। सो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है वो फोकस करने वाले हैं, जो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। तो सबसे पहले मैं वायरस के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास वायरस लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बॉर्डर पर आते हैं, यानी कि किसी किसी जगह पर ये लिविंग थिंग कंसिडर किए जाते हैं और किसी किसी जगह पर ये नॉर्मली तौर पर ये नॉन लिविंग ही कंसिडर किए जाते हैं। अच्छा, ये नॉन लिविंग क्यों कंसिडर किए जाते हैं? क्योंकि जब तक ये होस्ट बॉडी के बाहर होते हैं, यानी अगर हवा में मौजूद कोई वायरस होगा तो मैं आपको बता दूं कि ना वो रिप्रोड्यूस होता है, यानी कि अपने सेल को डिवाइड करता है, और ना ही उसमें कोई भी लिविंग थिंग जैसी जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है। लेकिन हाँ, हमारे पास क्या है, इसके पास एक जीनोम होता है। जीनोम डीएनए कंटेनिंग, इसका अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि आपको पता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये चीज इसको क्या करती है, इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ लेकर जाती है। अच्छा, फिर मैं एक और बात बताऊं कि जब ये होस्ट बॉडी में जो है वो एंटर हो जाते हैं, अच्छा वो होस्ट बॉडी कोई भी हो सकती है, वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, वो प्लांट भी हो सकते हैं, और वो हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया भी होते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। तो अब क्या होता है बेसिकली हमारे पास, कि ये जब एंटर हो जाते हैं और स्पेसिफिक साइट पर पहुंच जाते हैं जहां इनको अपनी ग्रोथ करनी होती है, तो बेसिकली क्या करते हैं, ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसमें ऐड करते हैं और उस जैसे डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं, यानी अपना जीन बनाते हैं, अपनी जो है वो डीएनए बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, अब होता ये है, अकॉर्डिंग टू, अगर मैं आपको बोलूँ कि होस्ट सेल, अकॉर्डिंग टू होस्ट सेल ह्यूमन वायरस होते हैं, एनिमल वायरस जैसे हम कहते हैं, प्लांट वायरस होते हैं, इसके अलावा हमारे पास बैक्टीरियल वायरस भी होते हैं। बड़ी हैरानी हो रही होगी कि हमारे पास बैक्टीरिया को भी अफेक्ट करते हैं वायरस, यानी बैक्टीरिया के सेल को भी क्या कर लेते हैं, किल कर सकते हैं। तो वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को जो है वो किल कर देते हैं या बैक्टीरिया को एज अ होस्ट कंसिडर करते हैं, वो हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज के मीनिंग होते हैं बैक्टीरिया ईटर, यानी के बैक्टीरियल सेल को खत्म करने वाले या मार देने वाले। ठीक है भाई, अच्छा हमारे पास ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर शेप इनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है। सबसे पहले हमारे पास टी फेज वायरस आते हैं, जिनके पास टेल भी होती है, यानी टेल कंटेनिंग होते हैं, टेल फाइबर मौजूद होते हैं, जबकि हमारे पास लेमडा वायरस भी होते हैं जिनके पास टेल जो है वो मौजूद नहीं होती, टेल फाइबर मौजूद नहीं होते। इसके अलावा कुछ वायरसेस एनवेलप्ड वायरस होते हैं, यानी उनकी बॉडी में कुछ खास किस्म का एक जो है वो प्रोटीन कंटेनिंग जो है वो मटेरियल होता है कवरिंग, जो कि एनवेलप कहलाता है। इसके अलावा नॉन एनवेलप वायरस भी होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं मेन बैक्टीरियोफेज वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी तरफ। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बेसिकली बैक्टीरियोफेज वायरस को क्या किया जाता है, तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक हिस्सा, दो हिस्सा और ये आखिरी तीसरा हिस्सा। अब ये जो हमारे पास पहला हिस्सा है, ये हमारे पास कहलाता है हेड। ठीक है भाई, अब हेड की जब हम बात करते हैं तो ये 3D ज्योमेट्रिकल बेसिकली हमारे पास शेप होती है, जो कि पॉलीहेड्रल होती है। ठीक है भाई, 3D शेप्ड है, ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास पॉलीहेड्रल होती है। फिर इसके अलावा ये हमारे पास किससे मिलकर बनी होती है, मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास जो है वो बनी हुई होती है प्रोटीन, स्मॉल कैप्सोमर जिसे हम कहते हैं, उनसे, यानी कि स्मॉल प्रोटीन कॉल्ड कैप्सोमर्स। अच्छा, ये जो कैप्सोमर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे ये मिलकर बनी हुई है, ये भी हमारे पास कनेक्टेड होते हैं एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप में, और वो स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप हमारे पास कहलाती है आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल इसकी शेप का नाम है बेसिकली, जिस स्पेसिफिक शेप में ये हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड होता है। अच्छा, इस हेड के बारे में बात करूं तो इस हेड में इसका जीनोम होता है, डीएनए जिसे हम कहते हैं। ठीक है भाई, अच्छा ये डीएनए इनमें मौजूद होता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है इसका दूसरा हिस्सा, जो कि हमारे पास फेज टेल कहलाती है। अच्छा, फेज टेल की जब हम बात करें तो दो हिस्से होते हैं इसके। अगर आप यहाँ देखें, एक ग्रीन कलर की ट्यूब बनाई हुई है, जो कि इनर पार्ट है, इनर रीजन।
इसके अलावा आउटर रीजन भी है जो कि हमारे पास जो है वो क्या है, एक बेसिकली कॉइल्ड होती है, या हम इसको जो है वो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल शीट, यानी कि ये जो हमारे पास बेसिकली है ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीट कहलाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल शीट। और इसके अंदर जो हमारे पास ट्यूब मौजूद है वो टेल ट्यूब कहलाती है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, नॉर्मली तौर पर ये पूरे के पूरे जो है वो वायरस अपनी होस्ट बॉडी में एंटर नहीं होते, इनका एक तरीकेकार होता है, एक लाइफ साइकिल होती है, लाइटिंग एंड लाइसोजेनिक, जो आगे हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं ये क्या होते हैं, ये अपने नीचे वाले हिस्से से यानी बेस प्लेट के थ्रू क्या करते हैं, ये अपने होस्ट बॉडी के सेल के साथ चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये अपना डीएनए किसके थ्रू, ये जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल शीट है ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इस ट्यूब के थ्रू हमारे पास डीएनए क्या होता है, इंसर्ट होता है होस्ट सेल में। ठीक है भाई, तो ये तरीका होता है बेसिकली। तो ये हमारे पास एक तरीके से ये डीएनए है, डीएनए प्रोवाइड करता है हेड, क्योंकि उसमें ही डीएनए मौजूद होता है, और ये हमारे पास जो है वो क्या करती है, ये ट्यूब जो है वो इसके थ्रू ही डीएनए इंसर्ट हो रहा होता है, बेस प्लेट तक जाता है एंड देन, और यहाँ से तो वो बेसिकली अटैचमेंट हुई भी है बेस प्लेट के थ्रू। ठीक है भाई, तो ये तो हमारा हो गया क्या चीज, फेज टेल। अब नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया बेस प्लेट क्या करती है, बेस प्लेट जो है इसमें टेल्स फाइबर होते हैं और तकरीबन 6 फाइबर होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम करते हैं ये किस चीज में, अटैचमेंट पे। आपके पास वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो रिसेप्टर्स हमारे पास क्या करते हैं, बेसिकली अटैच होते हैं होस्ट सेल के साथ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बेस प्लेट पर कुछ पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है भाई, अब उससे ये बेसिकली पूरी बेस प्लेट क्या की भी होती है, सराउंड हुई भी होती है। तो ये जो पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है यही पेनिट्रेट करता है, जैसे कभी आपने मॉस्किटो को देखा हो कि मॉस्किटो क्या करता है कि वो स्किन पर आकर बैठता है और उसके जो बेसिकली जो उसका मेन डंक होता है जिसके थ्रू जो है वो क्या करता है, उसको इंसर्ट करता है स्किन में और उसके बाद सक करता है ब्लड को। ठीक है, खुद अपर पार्ट पर ही होता है, बिल्कुल इसी तरह ये क्या करते हैं, इन फाइबर्स के थ्रू चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और ये जो पिन क्या करती है, ये पेनिट्रेट कर जाती है अंदर। अब पिन्स पेनिट्रेट करती है, इन पे होते हैं एंजाइम लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम क्या करता है कि ये जो कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, बैक्टीरियल कवरिंग को ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, यानी तोड़ना शुरू कर देता है। अब जैसे ही बैक्टीरियल कवरिंग यानी कि टूटती है तो हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल एक तरीके से खुल जाती है, फिर वो क्या करता है कि अपना डीएनए कॉन्ट्रैक्टाइल शीट के थ्रू अपना डीएनए क्या करता है कि इसके फिर ट्यूब के थ्रू जो है वो इंसर्ट करवाता है बैक्टीरिया के सेल में। इस तरीके से फिर इनकी कुछ लाइफ साइकिल शुरू होती है जो कि लाइटिंग एंड लाइसोजेनिक होती है। तो ये पूरा आज का लेक्चर तो हमारे पास स्ट्रक्चर पर था, आई होप कि क्लियरली आप लोगों को जो है वो समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।